हेलो दोस्तों, नीरव फूड मशीन प्राइवेट लिमिटेड से मैं हूँ याज्ञिक पटेल और आज हम आपको दिखाएंगे 2SP एंड 3SP फुल्ली ऑटोमेटिक 2-in-1 पल्वराइजर का हमारा प्रीमियम मॉडल। तो ये मशीन के द्वारा हम आटा कैसे पीस सकते हैं उसका डेमो करके आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये मशीन की चैम्बर है उसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम स्टेनलेस स्टील का जाली लगाएंगे। ये 2 नंबर का जाली अभी मैं लगा रहा हूँ, तो इसको हम चैम्बर को बाद में बंद कर देंगे जाली लगाने के बाद। और इसके बाद हम यहाँ पे एक कलेक्शन बॉक्स है उसको हम सेटअप कर लेंगे। तो ये जो हमने साथ में कपड़ा दिया है इसमें हमने वेलक्रो दिया है, तो इसको हम यहाँ पे चैम्बर के नीचे ऐसे लगा देंगे और ये वेलक्रो जो है उसको टाइट करके ऐसे ऐसे यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद ये जो रिंग है उसको ये कलेक्शन बॉक्स के साथ अटैच कर देंगे। अब इसके जो लॉक है ये लॉक को हम बंद कर देंगे। हमारा ये सेटअप है वो रेडी है, तो सबसे पहले हम मशीन का स्विच ऑन कर लेंगे। तो जब हम मशीन का स्विच ऑन करते हैं ना तो ऐसे बजर बजेगा। उसका रीज़न ये है कि अभी हमने होपर में गेहूं डाला नहीं है, तो जब होपर के अंदर हम गेहूं डाल देंगे तो ये बजर बजना ऑफ हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि जब होपर में गेहूं रहेगा तब ये बजर नहीं बजेगा और गेहूं का ग्राइंडिंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। होपर में गेहूं है उसकी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तब वापस हमें ये बजर बजेगा और हमें इंडिकेट करेगा कि अभी इसके होपर के अंदर गेहूं है नहीं। तो अभी हम इसमें गेहूं डाल के देखेंगे। तो एक आप देख सकते हैं हमने ये गेहूँ डाला और ये बजर जो बज रहा था वो बंद हो गया अभी। तो हमने 2 किलो गेहूँ डाल के अंदर रखा है। तो अभी हमारा ये जो गेहूं था उसकी ग्राइंडिंग प्रोसेस चालू हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गेहूं है वो मशीन के चैम्बर के अंदर जा रहा है अभी। जब तक ये हमारी गेहूं की ग्राइंडिंग की प्रोसेस है वो चालू है तब तक मैं आपको ये मशीन के बारे में और जानकारी दे देता हूँ। 2SP एंड 3SP फुल्ली ऑटोमेटिक पल्वराइजर है उसका हमने प्रीमियम मॉडल नाम दिया हुआ है। उसको प्रीमियम क्यों बोला गया वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखोगे ना तो ये मशीन के अंदर हमने यहाँ पे जाली जो हम देते हैं 6 जाली देते हैं, जैसे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 2.5, 3 एंड 4 एंड 5 नंबर। तो ये जो 6 जाली हम मशीन के साथ में देते हैं ये SS की बनी हुई होती है। आप मार्केट में जो देखोगे ना तो वो जाली है ना वो एल्यूमिनियम फ्रेमिंग वाली या गैल्वेनाइज की जाली आएगी। तो वो क्या होता है, चैम्बर गर्म होने के बाद ये जो जाली है ना वो भी ज़्यादा गर्म होती है, तो इसके जो शेप है उसमें चेंजेस आ जाता है और कोई स्टोन या हार्ड चीज़ आने से जाली टूट भी सकती है और ये जाली टूटने का चांस रहता नहीं है और इसका शेप है वो चेंज भी नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की जाली दी गई है और उसके बाद हम ये कपड़े की जो ये बैग है वो 2 बैग देते हैं साथ में और एक जाली को क्लीन करने के लिए सब ब्रश साथ में देते हैं मशीन के साथ में और एक लेग बूस्ट साथ में देते हैं। हालांकि ये मशीन जो है अभी इसमें व्हील फिटिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं मशीन है ना वो आगे पीछे जा सकता है। तो यहाँ पे जब ये व्हील दिया है ना तो व्हील का ये बोल्ट ओपन कर लेंगे और चारों व्हील निकाल देंगे ना तो उसका ये जो पैर है ना वो पैर के ऊपर आ जाएगा। तो ये मशीन 2-in-1 है, व्हील वाली भी है और पैर के ऊपर भी रहेगी। और यहाँ पे हमने ये रबर के जो बूस है वो यहाँ पे हमें लगा देना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये मशीन के बारे में कि ये जो मशीन की पूरी डिज़ाइन है इसकी जो फ्रेमिंग है वो फ्रेम है वो MS5 की बनाई हुई है और इसके ऊपर स्टेनलेस स्टील का मिरर फिनिश का सीट है उससे पूरी फ्रेम को कवर किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेज़र कटिंग किया हुआ है कूलिंग मोटर की कूलिंग के लिए। और इसके बाद दूसरी जानकारी मैं आपको देता हूँ, ये जो मशीन के चैम्बर जो है ना वो चैम्बर को यहाँ पे देखिए बफिंग किया है और पाउडर कोटेड भी है और ये रिब लगाया हुआ है ताकि ये जो हीट होती है चैम्बर तो उसको कूलिंग के लिए यहाँ पे ज़्यादा सरफेस मिले। और इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये मशीन के चैम्बर के अंदर ये जो कटर दिए ये जो बीटर हमने दिया है ये 6 पार्ट वाला बीटर है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 6 पार्ट वाला स्टेनलेस स्टील का बीटर है। और ये जो कटर है जिसमें ग्राइंडिंग होती है और ये कटर है सबसे ज़्यादा यूज़फुल है मशीन के अंदर, ये कटर स्टेनलेस स्टील की हमने दी है। आप देख सकते हैं ये कटर स्टेनलेस स्टील की दी गई है।
तो कटर की धार कभी खत्म नहीं होगी है, ठीक है। और इसके बाद ये मशीन के साथ में, ये मशीन के पीछे की ओर हमने एक बॉक्स दिया है। ये बॉक्स के अंदर आप जो भी सारी एसेसरीज रहती है मशीन के साथ में आती है, वो एसेसरीज यहाँ पे आप रख सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी ये कलेक्शन बॉक्स है आटा कलेक्ट करने के लिए, और ये होपर है। ये जो होपर है ना वो बाईपास का होपर है, मतलब कि ये जो चैम्बर का आगे का पोर्शन है यहाँ से हम ये स्लाइडर को निकाल देंगे और ये होपर को यहाँ फिटिंग कर देंगे। ये होपर यहाँ फिटिंग करने के बाद, ये एक्स्ट्रा होपर बाईपास क्यों दिया वो मैं आपको बता दूँ। अगर आपको हल्दी जैसी कोई चीज़ ग्राइंड करनी है तो मशीन के अंदर से, अंदर का होपर है वहाँ से यहाँ से जा नहीं पाएगी, क्या है कि उसमें वहाँ पर इतनी जगह होती नहीं है, तो हल्दी जैसी चीज़ें हमें यहाँ से डालनी होती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो पहले होपर है, ये स्विच जो है वो होपर की ओर है, ये स्विच अभी होपर की ओर है। तो अभी अंदर जो मशीन के टॉप के ऊपर जो होपर है वो होपर के लिए ये स्विच है, और जब बाईपास का होपर है उसमें हमें मटेरियल डालना और ग्राइंडिंग करना है, तब ये स्विच को हमें ऐसे ऊपर करना है। तो ये बाईपास हो गया है अभी, तो उसके बाद आप यहाँ से हल्दी जैसी कोई बड़ी जो चीज़ ग्राइंडिंग करनी है वो यहाँ से डाल सकते हैं। और ये मशीन से आप गेहूँ पीस सकते हैं, चावल पीस सकते हैं, और बेसन भी ग्राइंड कर सकते हैं, मतलब कि चना दाल है उसको भी ग्राइंड कर सकते हैं, और शुगर ग्राइंड कर सकते हैं, इससे आप जुवारी ग्राइंड कर सकते हैं। और मशीन को कैसे ऑपरेट करना है और कौन सी झाले से कौन सा आटा पीसा जा सकता है उसकी सब इंस्ट्रक्शन भी हमने यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये मशीन की कैपेसिटी मैं आपको बताऊँ ना, तो अभी हमने 2 SP पल्वराइजर जो है हमारा प्रीमियम मॉडल, उसमें हमने 2 नंबर की झाली लगाई है और गेहूँ पीस रहे, तो इसकी कैपेसिटी हमने एवरेज निकाली है 14 से 16 किलो एक घंटे में ग्राइंड करके देता है गेहूँ। और 3 SP की कैपेसिटी वैसे भी एक घंटे का है 24 से 26 किलो, मतलब 10 किलो का डिफरेंस है 2 SP और 3 SP के मॉडल में। मैं आपको अभी बाईपास का ऊपर जो आता है और बाईपास की ये जो स्विच है और ऊपर की ये स्विच है 3 SP के मॉडल में बताया, जाली है, ये कलेक्शन बॉक्स है, पीछे को स्टोरेज बॉक्स है, वो सब ये मशीन में बताया। सेम डिज़ाइन 2 SP के मॉडल की है लेकिन उसकी साइज़ थोड़ी छोटी आती है, तो 2 SP का मॉडल जो है उसमें भी ये सेम डिज़ाइन है, वैसे ही बाईपास की स्विच है, बाईपास का ऊपर है, सब कुछ सेम दिया है, लेकिन मैं अभी आपको सब दिखाया 3 SP का, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस सिर्फ कैपेसिटी का अंतर है। तो उसकी आटे की क्वालिटी कैसी है वो हम देखेंगे अभी। यहां पे हम देख सकते हैं ये जो हमने आटा पीसा था, देख सकते हैं ये रोटी बनाने के लायक हो गया है ये आटा।